हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉप विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। डेली जॉब अपडेट्स आपको मिल जाती है इसी टाइम पे, 6 बजे वीडियो आपको मिली जाती है। अगर इसी तरह के अपडेट्स डेली आपके मोबाइल में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि फटाफट से नोटिफिकेशन मिलेगा। नाउ अगर बात करते हैं आज के अपडेट के बारे में, तो खासियत ये कि 300 से ज्यादा पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच से, किसी भी डिसिप्लिन से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। और खास करके बी बीटेक वालों के लिए भी अलग ऑप्शन दिए हुए, तो ऑलमोस्ट जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एलिजिबल हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बताना चाहूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सबसे पहले हर बार बता देता हूं, तो एक ही यहां पे कंडीशन है कि आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो, लेकिन लाइक करके जरूर से जाना। एक मोटिवेशन जब मिल जाता है, भले ही आप वीडियो छोड़ दो, मैं नहीं चाहता हूं आपका टाइम वेस्ट हो। और अगर एलिजिबिलिटी में बात करें तो अगर आपने यहाँ पे बी बी टेक किया वो सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, तो आप अप्लाई कर ही सकोगे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। लेकिन आपने अगर कोई और ब्रांच से भी ग्रेजुएशन किया है या फिर बीकॉम किया हुआ है, बीएससी एमएससी किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनी ग्रेजुएट की भी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटली अगर बात करें तो 5 जोन में वैकेंसी निकली है। सबसे पहला जोन है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्थ की बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ में आपको ये जो टेबल दिख रहा है, अच्छा, सब में यहाँ पे सैलरी 40,000 बेसिक पे है और बाकी सब यहाँ पे अलाउंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो सारे अलाउंस अगर हम काउंट करते हैं तो करीबन 68,000 से 70,000 का आपको अमाउंट होता है जो टोटल आपका पर मंथ रहेगा, तो 68,000 है। नाउ अगर वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैं इमेज डिस्प्ले कर देता हूँ, आप पोज करके देख लेना। सबसे पहले नॉर्थ जोन का इमेज मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, यहाँ पे टोटल 187 वैकेंसी है, आप देख लो आराम से पोज करके। इसके बाद मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ साउथ जोन का, जिसमें यहाँ पे 65 वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, पोज करके आप आराम से पूरा देख सकते हो। उसके बाद वेस्ट जोन का है, जिसमें यहाँ पे 15 वैकेंसी है, सबसे कम है, आप वो भी पोस्ट करके देख लो। और ईस्ट जोन में 37 है, वो भी आप देख लो। सारी की सारी मैनेजर की पोस्ट है, आप एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो तो मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन है, तो उसमें 26 वैकेंसी है, उसका भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर दिया है। तो ये तो यहाँ पे आपको, अगर आपने अगर देखा होगा सारे स्क्रीनशॉट में देखा होगा कि जनरल है, डिपोर्ट है, मूवमेंट है, अकाउंट्स है, टेक्निकल है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपको दिखा होगा। तो सबके एक एक करके हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी, मतलब जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस चाहिए वो देख लेते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो सबको यहाँ पे पोस्ट कोड दे दिया है, जनरल मैनेजर जनरल का ए है, डिपोर्ट का बी है, मूवमेंट का सी है, अकाउंट्स का डी है, टेक्निकल का ई है, तो ये पोस्ट कोड है मैनेजर का। ये अलग अलग जोन में अगर सेम यहाँ पे डिपोर्ट की आती है तो डिपोर्ट की बी है, वो आपको पोस्ट कोड से पता चल जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में सीधा अगर बात करूं तो क्वालिफिकेशन में अगर मैनेजर की बात करें जनरल में, तो ग्रेजुएट डिग्री सिर्फ चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, और में यहाँ पे कहा गया सी ए आई सी ए, ये सब चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास है तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, और में बोला है। मैनेजर डिपोर्ट में भी अगेन ग्रेजुएशन मांगा है, मैनेजर मूवमेंट में भी अगेन वही मांगा है, सिर्फ मैनेजर अकाउंट्स में यहाँ पे सी ए मांगा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आप मेंबर होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपके यहाँ पे ये जो है आपका पार्ट यहाँ पे फाइनेंस का होना चाहिए एमबीए में, ये सब बहुत ज़्यादा कंडीशंस मांगी हुई है बीकॉम के साथ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जिन्होंने सीए किया हुआ है वो यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट और डिस्प्ले कर ही दे रहा हूँ। उसके बाद मैनेजर टेक्निकल में खास करके यहाँ पे बोला गया, आपने अगर बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बी किया हुआ है, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रिजर्वेशन है, फिर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, फिर बायोकेमिकल है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सारी पोस्ट से अगर आपने डिग्री की है तो आप मैनेजर टेक्नीशियन में, आप टेक्निकल में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बोला है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और मैनेजर हिंदी में यहाँ पे अगेन कुछ ज़्यादा बोला है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, तो ये मास्टर इन हिंदी थोड़ा सा है, अलग है, तो भी आप देख लेना, मैंने डिस्प्ले तो कर दिया है। अब हमारे जो मेंबर्स है उसमें ज़्यादातर नहीं, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, आगे से इस पार्ट को भी हम डिटेल में कवर करेंगे अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो। अगर हम आगे बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और आपको क्या करना रहेगा, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने की बेसिक सी मेथड है, वो तो फॉर्म भरना ही है।
एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शुरू हो जाएगा 28 सितंबर से और ये चलने वाला है एक महीने तक, मतलब 27 अक्टूबर से। तो अगर आप जितना ज्यादा, अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो जल्दी से अप्लाई कर देना। और सारी की सारी वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान 40,000 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जिसमें अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप एब्जॉर्ब होते हो एज अ परमानेंट या एज अ जो भी मैनेजर, तो आपको यहाँ पे अलाउंस वगैरह भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। नाउ पैटर्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम होगी 2 फेज में और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो एग्जाम का फेज 1 जो है वो सेम है IBPS का जैसा था वैसा ही है। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है, 20 मिनट सबका इंडिविजुअल यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। हाँ, रीजनिंग एबिलिटी बायलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी भी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड हिंदी भी है। अगर आपने एप्टीट्यूड कोर्स मेरा नहीं चेक किया हुआ है तो चेक कर लो, फेज 1 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही काम का कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्टीट्यूड कोर्स की, जरूर से चेक कर लेना। तो यहाँ पे फेज 1 में 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है और 60 मिनट्स का टाइम टोटल है, ठीक है। सब में इंडिविजुअल आपको टाइम दिया जाएगा। नाउ अगर बात करते हैं फेज 2, तो फेज 2 में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर पोस्ट कोड ABC तो उसको सिर्फ पेपर 1 ही देना है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। उसके बाद अगर आप DEFGH, जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, तो आपको यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 भी देना है। सवाल ये होगा कि पेपर 1 पेपर 2 ये सब सिलेबस क्या है, फेज 2 का पेपर 1, ठीक है, फेज 2 का पेपर 1, वो फेज 1 था बात अलग, ये फेज 2 का पेपर 1 उसका सिलेबस अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 का भी अलग है। और अगर आप मैनेजर हिंदी में अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे पेपर 3 और पेपर 4 देना है। नाउ पेपर 1 में यहाँ पे क्या आएगा, तो पेपर 1 में यहाँ पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और आपको टाइम 90 मिनट्स का दिया जाएगा। पेपर 2 पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा, मतलब आप अगर सिविल से अप्लाई करते हो तो सिविल से आपको पूछा जाएगा। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, तो यहाँ पे 120 मार्क्स हुए। टाइम यहाँ पे बहुत कम है, 60 मिनट, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मिनट में 1 सॉल्व करना है, मतलब टाइम काफी कम है, कॉम्पिटिटिव रहेगा। पेपर 3 की बात करें तो अगेन वही 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें यहाँ पे हर एक का 1 मार्क्स रहेगा और 120 मार्क्स रहेंगे, ये हिंदी वाला है, मैनेजर हिंदी वाला। पेपर 4 में यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग ये सब आएगा। तो आपको पूरा स्क्रीनशॉट मैंने डिस्प्ले कर दिया, पेपर 1, 2, 3, 4 का एग्जाम पैटर्न, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है। अब सिलेबस देख लेते हैं, फेज 2 का पेपर 1 जिसका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है पेपर 1 में। पेपर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो सिविल में सिविल का सिलेबस रहेगा, मैकेनिकल में मैकेनिकल का सिलेबस रहेगा, जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जनरल अकाउंटिंग है तो उसका सिलेबस भी अलग से इन्होंने दिया हुआ है। नाउ सिलेबस के स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 डिस्प्ले कर देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये जो है अगर आपको देखो तो टेक्निकल मैनेजर टेक्निकल पोस्ट कोड ई का सिलेबस है जिसमें आप एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, ये सब है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का भी आप सिलेबस देख सकते हो, हाईवे ब्रिज, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील, ये सब आपको सिलेबस दिख रहा है। उसके बाद अगर मैकेनिकल का देखना चाहो तो मैकेनिकल का बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प दिया हुआ है मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रिकल का वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है, मतलब एक एक टॉपिक दिया हुआ है, मे बी एक एक सब्जेक्ट भी हो सकता है। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में जैसा कि मैंने बताया सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, आपको यहाँ पे ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, ये सब पूछा जाएगा। तो ये पेपर 3 एंड पेपर 4 कुछ इस तरह से रहेगा। हाँ, पेपर 3 में सिलेबस है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। अब आप फेज 1 फेज 2 सब दे देते हो तो इंटरव्यू में 1:3 के हिसाब से बुलाया जाएगा, मतलब एक वैकेंसी के सामने 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पे है, मतलब क्वालिफाई करने के मार्क्स कितने होंगे वो सब नहीं बताया है, नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, इतना याद रखना। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करते हो तो यहाँ पे फीस है। हाँ, तो फीस आपको पे करनी रहेगी, यहाँ पे 800 रुपीज आपको फीस पे करनी रहेगी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो यार सोच समझ के अप्लाई करना, क्योंकि यार पैसा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये चीज आप समझते हो। और यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, 1 लाख का बॉन्ड साइन है और ये 3 साल के लिए आपको साइन करना पड़ेगा जब आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है कम्प्लीटली, आप आ जाते हो तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब। और यहाँ पे एग्जाम के सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम के सेंटर्स आप देख सकते हो, अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया में सारे सेंटर्स हैं। फेज 2 के लिए भी यहाँ पे सेंटर्स दे दिए इन्होंने, तो आप देख लेना एक बार, सारे के सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए मैंने, जो भी है ऑलमोस्ट आपके नियरेस्ट सिटी में यहाँ पे फेज 1 का सेंटर आपको मिल जाएगा।
और इसकी जो हॉल टिकट है वो आपको मिलेगी एग्जाम के 10 दिन पहले, मतलब एग्जाम की डेट अनाउंस होगी उसके करीबन 10 दिन पहले आपको यहाँ पे हॉल टिकट मिल जाएगी। और सवाल ये भी एक उठता है कि अगर आप किसी और जोन में भी अप्लाई करना चाहते हो, दो जोन में एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो? नहीं, क्लियरली मना किया है, दो जोन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्टेटमेंट यहाँ पे है, जैसे ही हम नोटिफिकेशन पढ़ना शुरू करते हैं तब यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया हुआ है, क्लियरली इट इज मेंशन, जैसे कि स्क्रीनशॉट भी डिस्प्ले कर देता हूं मैं आपको, यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, आइदर नॉर्थ और साउथ, एंड अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट, मतलब यहाँ पे पोस्ट में भी आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, जो भी आप अप्लाई करोगे सिर्फ एक बार एक ही जोन में और एक ही पोस्ट में। ठीक है, समझ में आया? ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आप देख लो आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के, यार वीडियो भेजो उनको व्हाट्सएप पे, अपने कॉलेज ग्रुप में जहां पे भी आप वीडियो भेज सकते हो उनको भेजो और उनको बताओ वैकेंसी आई हुई है एफसीआई में। एंड अगर वीडियो पसंद आई है कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं आई, मुझे थोड़े फीडबैक्स आएंगे तो यार और भी मजा आएगा और भी बेहतरीन तरीके से आपको मैं अपडेट्स दे पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।